आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के व्लॉग में हम बनाएंगे उत्तराखंड की फेमस एपन पेंटिंग से कुछ न्यू। तो जैसे प्रीवियस जो व्लॉग्स थे उनमें भी मैंने एपन पेंटिंग से जो वॉल हैंगिंग वाली पेंटिंग होती है वो बनाई थी, तो काफ़ी सारे बनाई थी, तो दो व्लॉग्स हैं आई थिंक उसके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो वो भी बना सकते हैं आप। और आज हम बनाएंगे नेम प्लेट जो घर के बाहर लगती है, तो देखते हैं कैसी बनती है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे आज हम एपन पेंटिंग से नेम प्लेट बनाएंगे, और अगर जब भी आपको एपन पेंटिंग बनानी हो तो इसके लिए हमें सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपको दो कलर चाहिए होते हैं। इसमें एक रेड कलर चाहिए होता है और एक वाइट कलर चाहिए होता है, क्योंकि रेड कलर हमें बेस पे करना होता है जो भी हम पेंटिंग बना रहे हैं उसके, और वाइट कलर से हमें लाइन डिज़ाइन बनाना होता है। तो आप मधुबनी पेंटिंग का भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो एपन पेंटिंग में, क्योंकि लाइन डिज़ाइनिंग वाली पेंटिंग होती है वो दोनों, एपन और मधुबनी। तो आज जो हम बना रहे हैं तो उसके लिए नेम प्लेट के लिए हमें एक वुडन प्लैंक चाहिए, तो आप मोटा या पतला जैसा भी वुडन प्लैंक है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर उस पर हमें रेड कलर करना है, तो रेड आप चाहो तो ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हो, एनामल पेंट आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर फेविक्रिल का कलर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर वुडन प्लैंक पे कर रहे हैं तो प्रेफर मैं करूँगी रेड कलर का पेंट ही यूज़ करें एनामल। और उसके बाद जो वाइट कलर का डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर, तो वो आप फेविक्रिल के कलर से भी बना सकते हो या फिर एनामल पेंट में थोड़ा सा थिनर मिला के वो भी बना सकते हैं। तो सप्लाई इसके लिए दो ही कलर चाहिए होते हैं आपको, और ब्रश चाहिए, बस यही है इसका सामान। और अगर आप शीट पे बना रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की शीट चाहिए आपको, ताकि मोटी शीट हो जिस पे अच्छे से आप रेड कलर को स्प्रेड कर सको, शीट फूले ना इसलिए। तो इतना ही सामान चाहिए इसके लिए। तो एपन पेंटिंग बनाने के लिए बहुत ही कम सप्लाई की ज़रूरत होती है, और अब तक की जितनी भी पेंटिंग्स मैंने बनाई है उनमें से एपन पेंटिंग के लिए ही सिर्फ दो कलर चाहिए होते हैं। तो इसकी सप्लाई सिर्फ दो कलर की है, रेड और वाइट कलर की, और आपको एक पेंट ब्रश चाहिए। अगर आप शीट पे बना रहे हो तो अगर उसका बेस हमें बनाना होता है तो उसके लिए हम पेंट ब्रश जो मोटा वाला होता है उससे कर देते हैं, और अगर जो ऊपर का लाइन डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए जो ज़ीरो पॉइंट वाला ब्रश आता है या थोड़ा उससे मोटा, तो उससे डिज़ाइन बनाने के काम आ जाता है। तो सबसे कम सप्लाई इसी पेंटिंग में चाहिए होती है। तो आज हम बना रहे हैं नेम प्लेट, तो स्टार्ट करते हैं अब नेम प्लेट बनाना। तो एपन पेंटिंग की नेम प्लेट बनाने के लिए मैं इस तरह का वुडन प्लैंक यूज़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा थिक है वुडन प्लैंक ऐसा है, तो अगर आप चाहो तो इसकी जगह दूसरा यूज़ कर सकते हो, कोई प्लैंक जो पतला हो, जैसे इस टाइप का वुडन प्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पतला है, और एक इस तरह का वुडन प्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कोई पतली प्लाई आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास ये बन रही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एपिकोलाइट प्रीमियम एनामल पेंट, तो इस प्लाई पे करेंगे ऐसे। तो सिंपल है, आपको बस ब्रश को लेना है, पेंट में डिप करना है और फिर इस पर लगा देना है इस तरीके से। फर्स्ट लेयर तो ऐसे ही अलग सा दिखेगा, सेकेंड लेयर में ठीक से दिखने का। तो ऐसी दो तीन लेयर करनी है, सिंपल है, तो मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना रही, ऐसे ही लॉन्ग हो रहा है। तो इसको पहले ऐसे कर देंगे और फिर सेकेंड लेयर लगाएंगे बाद में। तो इस तरह से फर्स्ट लेयर हो जाएगी पेंट की। अब ये सूख जाएगा तो सेकेंड लेयर करेंगे। तो ये वाला जो वुडन प्लैंक है इसमें पेंट हो गया रेड कलर का, जो ऑयल पेंट था, तो हमने इसकी दो तीन कोट कर लिया है इस पर। तो अब इस पर डिज़ाइन बनाएंगे एपन पेंटिंग का, तो वो आप पेंसिल से भी बना सकते हो, वाइट पेंसिल आती है उससे, या फिर जो नॉर्मल पेंसिल है उससे, और फिर उस पर हम पेंट कर देंगे वाइट कलर का। तो अब इस वुडन प्लैंक पे जिसमें हम नेम प्लेट बना रहे हैं तो इस तरीके से नाम लिख देना है, और इस पर अब हम कलर करेंगे। तो कलर के लिए आप ऐसे करके फेविक्रिल का कलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हो, और सिंपल इस तरीके के जो पेंट ब्रश आते हैं उससे कर देना है। तो इसमें फेविक्रिल का कलर भी चल जाएगा सही से, ऑयल पेंट भी चल जाएगा। तो इस तरह से नेम प्लेट पे वाइट पेंसिल जो होती है उससे लिखना है।